अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलर पैनल की। सोलर पैनल ये है 150 वाट का और इसमें ख़राबी आ गया, आज इसे हम ठीक करेंगे और ठीक करने का तरीकाकार बताएंगे, बहुत इजी। हमने सोलर पैनल को कर दिया दोस्तों उल्टा। उल्टा करने के बाद ये देखें, पहले भी ये बहुत दफ़ा रिपेयर हो चुका है और ये दोबारा हमारे पास आ रहा है ठीक होने के लिए और आज हम इसे करेंगे ठीक। ये देखें दोस्तों 150 वाट का है। इसके ये जो मॉड्यूल हैं ये जल चुके हैं, ये ख़राब हुए हैं, एक साइड से देखिए मेल्ट हुए हैं, कुछ बाहर निकले हुए हैं, ये ब्लास्ट हो चुका है। अब हम ये पूरी की पूरी इसकी जो प्लेट्स है ना, ये मैं खोलता हूँ। इसको खोलने का बहुत इजी तरीका, किसी पेपर प्लेट से या किसी की चीज़ से। इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है मैजिक, वैसे यहाँ पर हीट गन और हीट सिंक के साथ ये चिपकाई जाती है, तो इसे हम जल्दी से खोल लेते हैं। अभी हम यहाँ से पेचकस और किसी मदद से यहाँ से काटते हैं, इसको काट के बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको आज़ाद करते हैं। जल्दी से मैं करता हूँ आज़ाद। दोस्तों ये मैंने कर दिया है आज़ाद, ये देखें ये हिल रहा है। अब हमने इसके ये जो सोल्डिंग वायर की मदद से ना, काबे की मदद से इसके जो ये टांके हैं, इनको यूं करके आज़ाद कर लेना, इन चारों को मैं करता हूँ आज़ाद और ये हमारी प्लेट्स बाहर आ जाएगी। दोस्तों ये देखें, ये हमने कर दिए हैं आज़ाद और ये प्लेट्स हमारी बाहर आ चुकी है। और इसी तरह अब ये हम बाज़ार ले जाएँ और इसे नई परचेज़ करके लें, तो मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास मौजूद है। इसे खोलने का बहुत इजी तरीका है, ये किसी भी पेचकस की मदद, टेस्टर की मदद से, ये इसके लॉक हैं, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, तो ये देखें मैंने खोल दिया है। ये चार पॉइंट हैं दोस्तों, इन चारों पॉइंटों को हम यहाँ पर यूँ ऐसे लगा देते हैं, देखें, और काविये की मदद से इसे हम लगाएंगे प्रॉपर यहाँ पर, सोल्डिंग वायर करके इसको प्रॉपर अच्छे से इसको जोड़ देते हैं। तो इसको मैं जल्दी से जोड़ता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये मैंने प्रॉपर लगा दिया है, इसकी अच्छी सी ना काविये की मदद से ना सोल्डिंग की हमने, और ये बिल्कुल लूज़ नहीं होने चाहिए। ये लूज़ होंगे तो ये स्पार्किंग करेंगे, ये बड़े चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों, ये लूज़ नहीं होने चाहिए। सारे पॉइंट बिल्कुल फ़िक्स बैठे होने चाहिए, ये पॉइंट इसके लूज़ नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दोस्तों ये फ़िक्स करने के लिए इसके यहाँ सिलिकॉन लगा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप हीट सिंक लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। अभी हमने इसको फ़िलहाल सिलिकॉन के साथ की है ताकि यहाँ से पानी अंदर ना जाए। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप सोलर पैनल की प्लेट्स को तो रिपेयर कर सकते हैं ईज़िली घर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ले जाते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।